हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये देखिए, भंडारे वाली आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज हम झटपट से बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाना बहुत ही आसान है। हम इसे बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल कम समय में और कम मेहनत के बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। भंडारे वाली आलू बैंगन की सब्जी हलवाई स्टाइल बनाने के लिए यहाँ मैंने मीडियम साइज के 6 आलू को अच्छे से छील कर धो लिया है, जिससे आलू का कलर चेंज नहीं होगा। और अब हम लेंगे एक बैंगन। यहाँ मैंने बड़े साइज का बैंगन लिया है और मीडियम साइज का 2 टमाटर लेंगे। और अब हम चलिए सब्जियों को कट कर लेंगे। सब्जियों को कट करने के लिए सबसे पहले हम आलू लेंगे और आलू को हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और इसे 4 टुकड़ों में काट लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे काट लिया। यहाँ मैंने मीडियम साइज का आलू लिया है, इसलिए मैं इसे इस तरीके से 4 टुकड़ों में बड़े साइज का ही रखूँगी, जिससे आलू बैंगन की सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और ये देखिए, बड़े साइज के आलू को आप इस तरह बड़े टुकड़ों में काट लें और इसमें पानी डाल करके हम इसे धो लेंगे, जिससे आलू का कलर चेंज नहीं होगा और सब्जी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और आलू को इस तरीके से पानी में ही रहने दे। और चलिए धो के बैंगन को लेंगे और बैंगन को इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। और अब हम इसे बड़े बड़े साइज में इसकी भी सब्जियां काट लेंगे, क्योंकि हम भंडारे स्टाइल आलू बैंगन की सब्जी बना रहे हैं। तो आप सब्जियों को बड़े बड़े पीस में ही काटें, क्योंकि भंडारे वाली सब्जी इसी तरीके से बनती है। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैंगन को भी बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। झटपट हलवाई स्टाइल भंडारे वाली आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुकर लिया है। कुकर को गर्म होने देंगे और इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल की जगह आप कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर इसे हम तेल में अच्छे से क्रैक होने देंगे और इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे और 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे या भुन जाएंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालकर हम इसे मिला लेंगे। हल्दी पाउडर डालने से इस समय तेल में बहुत ही अच्छा हल्दी पाउडर का कलर आता है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और ये गल भी जाएंगे। टमाटर को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और अब हम इसमें कटा हुआ आलू डालेंगे। आलू डालकर हम इसे भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे, जिससे आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और आलू भी हमारे अच्छी तरह भुन जाएंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और अब हम इसमें कटा हुआ बैंगन डालेंगे। बैंगन डालकर हम इसे तेज आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे बैंगन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और बैंगन भी हमारे आलू और सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से भुन जाएगा। सब्जियों में स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम सब्जियों को फिर से एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे नमक सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सब्जियों को यहाँ मैंने भून लिया है और अब हम इसमें 1/2 कप से भी कम पानी डालेंगे। पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम कुकर में 2 सीटी या विसिल आने देंगे। फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। और अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच या 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच या 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी की जगह आप कड़ी पत्ता या धनिया पत्ता का भी यूज़ कर सकते हैं।
और ये देखिए दोस्तों, कुकर हमारा ठंडा हो गया है और अब हम कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, सब्जियों में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें बनाए हुए मसाले डालेंगे। मसाले डाल करके हम इसे हल्के हाथों से स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए सब्जियों को मिला लेंगे, जिससे सब्जी हमारी टूटेगी नहीं। सब्जी को मसालों के साथ मिला लेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर सब्जी में आ जाएगा और मसाला सब्जियों के साथ अच्छे से पक जाएगा और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और सब्जी हमारी टेस्टी बनेगी। मसालों के साथ पकने देंगे, हमें इसे तब तक पकाना है जब तक सब्जियों में अच्छा सा ऑयल ना छोड़ने लगे। और ये देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। और अब हम सब्जी को एक बार फिर से मिला लेंगे और ये देखिए, हमारे भंडारे स्टाइल आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। पर ये अभी थोड़ा सा थिक है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम सब्जी में 1 मिनट के लिए उबाल आने देंगे और सब्जियों में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, सब्जी हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए अब हम सब्जी को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से भंडारे वाली हलवाई स्टाइल आलू बैंगन की सब्जी आप घर पे बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे चावल, पूड़ी, चपाती किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में उतना ही आसान है। आप भी इसे झटपट घर पे ज़रूर बनाएं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, सब्जी हमारा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें। अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो आप बिना प्याज लहसुन के इस सब्जी को कभी भी बना सकते हैं। हमने इसे घर के मसालों से बहुत इजीली घर पे बनाया है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ।